दोस्तों ईशानी के हुए राहुल चेहर, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं राहुल चेहर के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय क्रिकेटर राहुल चेहर अपनी मंगेतर ईशानी जौहर के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। लेग स्पिनर ने गोवा में आज यानी बुधवार को डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ नई पारी की शुरुआत की है। उनकी पत्नी ईशानी पेशे से फैशन डिजाइनर है। आगरा के रहने वाले राहुल चेहर ने दिसंबर 2019 में जयपुर में बेंगलुरु की ईशानी जौहर के साथ सगाई की थी। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। राहुल की शादी के मौके पर उनका परिवार भी साथ रहा। उनके भाई और भारतीय क्रिकेटर दीपक चेहर अपनी मंगेतर और बहन मालती चेहर के साथ मौजूद रहे। गोवा के होटल डब्ल्यू में राहुल ईशानी की शादी की रस्में हुई हैं। मंगलवार को मेहंदी की रस्म के बाद राहुल चेहर ने ईशानी के साथ अपनी तस्वीर भी फेसबुक पर साझा की थी। दोस्तों पहले दिन मेहंदी यहां पर रंगों से भरा रहा और शादी का रिसेप्शन 12 मार्च को ताज नगरी आगरा में होगा। दोस्तों अगर बात करें राहुल चेहर की, तो राहुल चेहर ने भारत के लिए वनडे और टी20 मैच खेले हैं। वह अब तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलते रहे हैं, लेकिन इस बार पंजाब किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में राहुल को 5.25 करोड़ की मोटी रकम की कीमत मिली है। आईपीएल में पहली बार वो मुंबई के अलावा किसी और टीम के लिए खेलेंगे। 2018 से लेकर 2021 तक राहुल मुंबई की टीम का हिस्सा थे। राहुल ने भारत के लिए एक वनडे और 5 T20 मैच खेले। एक वनडे में उनके नाम 3 विकेट हैं, जबकि 5 T20 में उन्होंने 7 विकेट झटके। दोस्तों राहुल चेहर के अलावा दीपक चेहर भी सगाई कर चुके हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जया भरद्वाज को आईपीएल के दौरान स्टेडियम में ही प्रपोज किया था। दीपक भी जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो दोस्तों आपका इस यहां पर मामले पर क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।